हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन गोवा। अगर आप गोवा हॉलिडे पर आ रहे हैं तो ये 10 जगह विजिट करना ना भूलें। आज हम बताएंगे आपको गोवा के कुछ बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स, जैसे कि बीचेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ, चर्च और टेम्पल्स के बारे में। अगर आप गोवा पूरी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन ना लें। गोवा में ट्रैवल करने के लिए आपको सेल्फ ड्रिवन बाइक या कार रेंट पे मिल जाती है। बाइक का रेंट लगभग 400 से 600 रुपये पर डे और कार का रेंट लगभग 1000 रुपये से स्टार्ट होता है पर डे। ये रेट्स डिपेंड करता है सीजनों के अनुसार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गोवा के 10 बेहतरीन खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस। आरंबल बीच, ये बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है और पंचिम से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस बीच को रशियन बीच भी बोला जाता है। आरंबल बीच का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे आए हुए इंटरनेशनल टूरिस्ट और यहाँ की खूबसूरती। इस बीच का मेन दो पार्ट है, एक मेन बीच और एक स्वीट वाटर लेक। स्वीट वाटर लेक तक पहुँचने के लिए आपको मेन बीच से 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। रात को ये बीच और भी खूबसूरत लगता है। आप यहाँ कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं और रुकने के लिए बीचेस के पास ही आपको बहुत अच्छी बीच हट्स मिल जाएंगी। गोवा घूमने आए लोगों के लिए आरंबल बीच एक ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं, और गोवा आए तो आरंबल बीच विजिट करना ना भूलें। नेक्स्ट है पालोलिम बीच। दोस्तों, पालोलिम बीच की गिनती साउथ गोवा में कुछ बेहतरीन बीचों में से किया जाता है। पंजिम से लगभग 70 किलोमीटर दूर इस बीच का मेन अट्रैक्शन है कायाकिंग, डॉल्फिन राइड और कुछ आसपास की आइलैंड राइड्स, जिसका लुफ्त उठाना आप ना भूलें। डॉल्फिन राइड तो आप गोवा में किसी भी जगह कर सकते हैं, पर जो मज़ा पालोलिम बीच पर करने का है वो और कहीं नहीं। इसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपए खर्च करने होंगे। मेरा सजेशन है कि आप जब भी गोवा आए पालोलिम बीच विजिट ज़रूर करें। गोवा में और भी कई खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जैसे कि अगोड़ा बीच, अंचुना बीच, कोलवा बीच, दोनापोला बीच और कैंडलिम बीच। नेक्स्ट है चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट वही फोर्ट है दोस्तों जहाँ दिल चाहता है मूवी की ये सीन शूट हुई है। चपोरा फोर्ट पंजिम से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 250 से 300 मीटर की चढ़ाई करनी होगी। जब आप चढ़ाई करके ऊपर तक पहुंचोगे और खूबसूरत व्यू देखोगे तो चढ़ाई करने में लगी हुई मेहनत आपको वर्थ लगेगी। कुछ समय आप अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली के साथ यहाँ वक्त गुजार सकते हैं। सनसेट का नज़ारा चपोरा फोर्ट से देखते ही बनता है। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। नंबर 4, दूधसागर वाटरफॉल। दोस्तों, वैसे तो गोवा में कई सारे वाटरफॉल हैं, बट उनमें से बेस्ट दूधसागर वाटरफॉल ही है। पंजिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर इस वाटरफॉल की हाइट लगभग 320 मीटर है। अगर आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होंगे तो ये सीन आपको ज़रूर याद होगा। दूधसागर फॉल तक पहुंचने के लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूव जीप से जाना होगा और जीप आने जाने के लिए पर पर्सन लगभग 500 रुपये चार्ज करती है। अब कुछ बात गोवा के नाइट लाइफ के बारे में करते हैं दोस्तों। गोवा में डिस्कोस का भरमार है, पर मैं आपको कुछ अच्छे डिस्कोस के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ यादगार और क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। टीटोस, मैम्बोस, क्लब कुबाना, सिंक, एलपीके, साइलेंट नॉइस, लोपर्ड वैली कुछ अच्छे डिस्कोस में आते हैं। आप अपने बजट के अनुसार और म्यूजिक के अनुसार किसी भी डिस्को या क्लब में जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री फी लगभग 1500 से 4000 के बीच में होती है। नेक्स्ट है बाघा बीच और कलांगुट बीच। दोस्तों, शायद ऐसा ही कोई टूरिस्ट हो जो गोवा आए और बाघा और कलांगुट बीच विजिट ना करें।
ये बीच गोवा के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। वाटर स्पोर्ट्स जैसी पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, बम्पर राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए लगभग 4,000 का पैकेज आता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी कम भीड़ भाड़ वाले बीचेस का लुफ्त उठाएं, तो आप सिंकुरिन बीच जा सकते हैं जो कि बाघा बीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच में आपको वाटर स्पोर्ट्स जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कसिनोस। मांडोवी रिवर में तैरते शिप्स में कसिनोस गोवा के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, जैसे कि डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक, कसिनो प्राइड 1 और 2, महाराजा कुछ अच्छे कसिनो में से एक है। यहाँ की एंट्री लगभग 2,000 से 4,000 होती है। एंट्री फ्री में इंक्लूड होता है कसिनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स। नेक्स्ट है चर्च। दोस्तों, अगर आप गोवा हॉलीडे पर आए हैं और चर्च विजिट नहीं किया तो आपकी ट्रिप अधूरी है। मैं आपको बताऊंगा गोवा के फेमस चर्च के बारे में जो कि बहुत अच्छी और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। पंजी चर्च, जिसे आवर लेडी ऑफ द इमाकुलेट कंसेप्शन चर्च भी कहा जाता है, ये गोवा के सबसे पुराने चर्च है जो सन 1541 में बनाया गया था। दूसरा चर्च है बेसिलिका ऑफ पॉम जेसस चर्च, जिसे ओल्ड गोवा चर्च भी कहा जाता है। पंजीम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है जो कि ओल्ड गोवा में है और दुनिया भर के क्रिश्चियंस में बहुत ही मायने रखता है। इसका निर्माण लगभग 1605 में हुआ था। इस चर्च की खास बात यह है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी 450 सालों से प्रिजर्व है और जिसे हर 10 सालों पर दर्शन के लिए निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ बात मंदिरों के बारे में करते हैं। श्री शांता दुर्गा मंदिर पंजिम से लगभग 33 किलोमीटर की दूर पोंडा तालुका पर है। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हो गया, तब खुद भगवान ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती को उसे रोकने की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने देवी शांता दुर्गा का रूप धारण कर उस युद्ध को रोका। दूसरा प्राचीन मंदिर है मंगेशी मंदिर, जो कि पंजिम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पोंडा सिटी के मुकाड़ी पहाड़ियों के बीच में बना ये मंदिर 18वीं शताब्दी की है। मंगेश भगवान शिव का ही एक रूप है। दोस्तों, अगर आप गोवा कोस्ट के बीचेस और नाइट लाइफ से हटकर अलग कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ के चर्च और मंदिरों पर ज़रूर दर्शन के लिए आएँ। चलिए, ये तो थी गोवा की कुछ अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।